This is All India Radio. In the program Spotlight, we now bring you Cabinet Briefing on New Education Policy 2020. आज प्रधानमंत्री अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव रमेश पोखरियाल जी ऑल्सो, बट आई विल रिक्वेस्ट फर्स्ट सेक्रेटरी अमित खरे जी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, आज ऐतिहासिक दिन है। 34 साल के बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। मैं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुरानी शिक्षा नीति के मुकाबले हम नई शिक्षा नीति में कहां हैं, जो बड़े परिवर्तन हैं वो क्या हो रहे हैं उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में, और इसका क्या आउटकम रहेगा, कितने छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे, किस प्रकार से नए संस्थान खुलेंगे, इस पर एक प्रेजेंटेशन है। आई जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड दैट स्टार्टिंग विद द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वे बैक इन 1948, देयर वाज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉलोड बाय कोठारी कमीशन, एंड कोठारी कमीशन वॉज द वन which led to the formulation of the National Policy on Education in 1968. Now from 68 to 86, the same policy continued. 86, there was the new policy, the NPE, National Policy on Education 86. Uska sanshodhan bahut simit roop se 1992 it was amended, but actually it is the 86 policy which had been continuing till date, that is for last 34 years. सरकार के जो निर्देश हैं उसके आलोक में एक व्यापक कंसल्टेशन किया गया। We approached all the 2.5 lakh gram panchayats for their suggestions. Then when the draft committee report of Dr. Kasturi Rangan's draft national education policy was presented, there was education dialogue with honorable members of parliament. इसके आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं, उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में यह रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री। जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे। इसमें यह भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहां पर हैं, तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil, दे कैन गो टू PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है, उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गवाए हुए। दूसरा, नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहां संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहां वो शिक्षा ले सकते।
शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। फी फिक्सेशन पर भी समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसका विस्तृत उल्लेख पॉलिसी में किया गया है। ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन फी पर कैप रखा जाएगा और जो शुरू से हमारा लक्ष्य रखा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स विल वर्क टुगेदर टू अचीव 6%। स्कूल एजुकेशन के प्रमुख जो रिफॉर्म्स हैं उस पर सचिव स्कूल शिक्षा बताएंगे। ये जो पूरी जो हमारी पॉलिसी आज आई है उसमें 27 मेजर हेडिंग्स हैं। 27 जो मेजर हेडिंग्स हैं उसमें 10 हेडिंग्स सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए हैं, 10 हेडिंग्स सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए हैं, लेकिन 7 हेडिंग्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं और वो जो कॉमन है उसमें ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन भी है। अब हम स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आएं तो इसमें काफी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। इस बार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहां पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करेगी। पाठ्यक्रम का और पढ़ाने के तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। यहां पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे, प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सके। जो मिडिल स्कूल होगा उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है, इसमें भी जैसा हायर एजुकेशन में है कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। हर बच्चे का इसमें ये लिखा है कि जब वो स्कूल से निकलेगा तो एक स्किल, एक वोकेशनल स्किल उसको वो हासिल करके निकलेगा। और जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जो सेल्फ डिस्क्लोजर के, वो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कॉमन रहेंगे, दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में पहुंचने का है। टीचर्स एजुकेशन जो 2009 में बनी थी 11 साल पहले वो भी अब हम हाथ पर लेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मैंने आपसे जो बात करी, पहली बार इस तरह से बनेगा कि 0 से 3 वर्ष का सब फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप घर पे क्या कर सकते हैं, और 3 से 6 वर्ष का आंगनवाड़ी के अंदर या प्री स्कूल में अगर बच्चा है तो उसके लिए बताया जाएगा। बोर्ड एग्जाम, इसके ऊपर काफी विस्तृत में पॉलिसी में लिखा हुआ है। बोर्ड एग्जाम जो है उसका महत्व, उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्जाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना जरूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफर किया जा सकता है। तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को 2 भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से काफी सारे इसके अंदर पॉलिसी में चीजें लाई गई हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करें, रोट लर्निंग को नहीं, जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहां जाकर के जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए। जो शिक्षा का माध्यम है, जहां तक पॉसिबिलिटी हो वहां तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहां पॉसिबल हो। आप पोखरियाल जी, आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। जैसे कि हमारे सचिव
स्कूली शिक्षा और सचिव उच्च शिक्षा ने विस्तार पूर्वक सभी बातों को सूत्र रूप में रखा है और जावड़ेकर जी जो इस मंत्रालय में और इस शिक्षा नीति से तब से लेकर लगातार जुड़े रहे हैं, जिनके समय में जिनके मार्गदर्शन में ये काफी आगे बढ़ी और मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से अभिभावकों से छात्रों से अध्यापकों से विशेषज्ञों से शिक्षाविदों से राजनीतिज्ञों से जनप्रतिनिधियों से और यहां तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहां सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो, शिक्षा मंत्रियों से देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर इनके एक एक विषय पर परामर्श और चर्चा की गई हो, संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा। और इन लंबे रास्तों से होकर के गुजर करके, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीति बन रही है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति परिवार समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है और इसलिए व्यापक परामर्श और सब लोगों की चर्चाओं के बाद और जब हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला था उसके बाद भी 2,25,000 के करीब सुझाव आए। उन सुझावों में भी हमने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दो अलग सचिवालय बनाए, 15-15, 20-20 टीमें विशेषज्ञों की बनाई, व्यापक उनका विश्लेषण किया और उस सब के बाद इसको एक शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर ला करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं देश के लगभग 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15,00,000 से भी अधिक स्कूल, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33,00,000 से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कार क्षम मूल्य परक हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा, मैं एक बार फिर आप सबको भी शुभकामना देना चाहता हूं। और आज तो ये नीति में मुख्य क्या क्या बिंदु हैं, इन बिंदुओं की चर्चा की, लेकिन कभी भी आपको चर्चा करनी हो तो मैं समझता हूं कि उसके लिए हमेशा चर्चा के लिए समय है और इस पे इतनी व्यापक चर्चा हुई है, लेकिन इस नीति को नीचे तक ले जाने के लिए आपकी भी सहयोग की हमको जरूरत पड़ेगी। टुडे दिस इज अ हिस्टोरिक डिसीजन व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोथ द सेक्रेटरीज एंड द मिनिस्टर कंसर्न एंड आई थिंक वी आर गिविंग अलोंग विथ इट अ डिटेल्ड नोट इन विच ऑल द फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर मेंशन एंड देयरफॉर टुडे आई हैव अ रिक्वेस्ट। Thank you very much, sir. Thank you, sir. You were listening to Cabinet Briefing on New Education Policy 2020.